पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। गुंडा डरत है बाबा के राज में। अवधि में जब ब्रिटिश पाठक ने की योगी सरकार की जमकर तारीफ तो तालियों से महफिल झूम उठी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अपने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने एक कार्यक्रम के दौरान सपा पर तंज कसा। पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। पाठक ने एसपी के राज पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले गुंडे गाड़ी में 10-20 बंदूक के भरकर चलते थे और जरा सी बात होने पर झगड़ा कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, योगी सरकार के राज में गुंडे कहते हैं जाने दो, पुलिस का चक्कर नहीं होना चाहिए क्योंकि यूपी में बाबा का राज है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाराबंकी दौरा के दौरान किस तरह से ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा, यही तो लगा बल्ले गाड़ी मोटर में अब लुक लुक ले रही है, कहीं चक्कर में पड़े हो सरकार बाबा की है। क्या कहा बताओ, क्या कहा गाड़िया चुप्पे रहा हो सुझत ना हो, नहीं तो पहले गाड़ी अगर जरा से लड़ जाए उतरता है उतर लागत है। अब गुंडवा डरे डरे है ना, देखिए जरा के यार तो लफड़ा पर यह पुलिस का चक्कर हो गया, कानून का राज स्थापित हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, जनप्रतिनिधियों के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बाराबंकी जनपद को पूरे प्रदेश इस बात का गौरव हासिल है कि वो लखनऊ का हिस्सा है और यहाँ लखनऊ की तरह ही डेवलपमेंट हो और हर स्थिति में बाराबंकी को हम डेवलपमेंट में सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे। विकास योजनाएं समय से पूरी होगी और बाराबंकी को जो भी आवश्यकता होगी धनराशि किसी भी मामले में कम नहीं होने दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर हम बनाएंगे। यहाँ जो एक हाईवे पर अस्पताल है वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज हमने वहाँ की समीक्षा किया, मेडिकल कॉलेज तो बन रहे हैं बहुत जल्दी, जिला अस्पताल में जो सूबे में मेडिकल कॉलेज 75 जनपदों में बना रहे हैं, अभी 14 जनपदों में बनना शेष है, उसमें पत्रावली चल रही है। मुझे लगता है कि 1-10 दिन में हम पीपीपी मोड में वहाँ भी बनाना शुरू करेंगे। ये कार्डियोलॉजिस्ट और बीमार है इसलिए सर आप जानते हो उनको क्यों, वो पूरी तरह से डिरेल्ड है, कब क्या कहेंगे, उनका अपनी भाषा पर नियंत्रण खो चुके हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। राहुल गांधी के बयान को लेकर बहुत जनता देख रही है।